हाय एवरीवन, पटवारी का फ्री कोर्स ज्वाइन करने के लिए इंस्टॉल करें JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल एंड्रॉइड ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। इंस्टॉल करने के बाद ऐप को ओपन करें। ओपन करने के बाद आप यहां नीचे देखिए बैच लिखा होगा, बैच पे क्लिक करें। बैच पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, बैच पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ प्लस आइकन पे क्लिक करना और यहाँ पर आपको बैच कोड डालना है फ्री जेकेएसएसबी। आपको डालने के बाद ओके कर देना है और जैसे आप ओके कर दोगे उसके बाद आप हमारे पटवारी के फ्री बैच में ऐड हो जाओगे। थैंक यू। हाय एवरीवन, व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक इन योर ऑन YouTube चैनल जिसका नाम है जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और आज का बहुत ज्यादा खास है स्टूडेंट्स के लिए जो पटवारी एग्जाम के लिए तैयारी करने जा रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में मेरे साथ हैं मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड मिस्टर रियाज चौधरी, जो अभी रिसेंटली एज अ पटवारी वर्क कर रहे हैं। और आज का वीडियो बेसिकली रियाज के साथ इस टॉपिक पे होगा कि जितने भी बच्चे जो पटवारी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको किस तरह से अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रेटेजाइज करना चाहिए ताकि उनका जो सिलेक्शन है वो फाइनली हो सके। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जैसा सभी जानते हैं कि हम लोगों ने फ्री बैच स्टार्ट किया पटवारी एग्जाम के लिए, तो आई डोंट वांट कि मैं किसी भी चीज को छोड़ू जो इम्पोर्टेंट हो आपके लिए, ठीक है। एज यू नो कि हम सभी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे इस बैच में, और उसके साथ साथ आपको जो मॉरल सपोर्ट है और किस तरह से स्ट्रेटेजी किस तरह से होनी चाहिए पटवारी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, वो भी सभी चीजें आप लोगों के साथ शेयर मैं करता रहूंगा मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके थ्रू। और अब फाइनली मैं बढ़ता हूँ रियाज की तरफ, और रियाज को मैं सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन मेरा रियाज को ये होगा कि अपनी स्ट्रेटेजी मैंने ऑलरेडी पेपर क्रैक किया है पटवारी का, तो हिनोज की किस तरह से एक बच्चा तैयारी करें ताकि वो क्रैक कर सके एग्जाम को, क्योंकि इस एग्जाम में दो क्वेश्चन है, पहला जीके वाला क्वेश्चन देन उर्दू वाला क्वेश्चन। और आज अभी थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे अपनी स्ट्रेटेजी को और बच्चों को बताएंगे कि किस तरह से आपको दोनों मतलब अपनी स्ट्रेटेजी किस तरह से बनानी है ताकि आप एग्जाम को क्रैक कर सके। तो फर्स्टली हम जीके वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, तो रियाज प्लीज स्टार्ट करें। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रियाज है और मैं 2019 बैच में सिलेक्ट हुआ। फ्रेंड्स, आपको अच्छे से पढ़ना है और मतलब बेसिक्स को कवर करना है स्टार्टिंग में। फर्स्ट जो जीएस का पेपर होता है पटवारी में, आपको उसे अच्छे से कवर करना है, जो कि स्थिति सर ऑनलाइन ट्यूटोरियल में अच्छे से पढ़ा रहे हैं उसको फॉलो करना है, और ज्यादा बुक्स नहीं पढ़नी है। जितना भी पढ़ोगे चाहे थोड़ा पढ़ो मगर उसे अच्छे से रिवाइज करो, उसे अच्छे से रिवाइज करो, और ज्यादा मतलब पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना भी पढ़ोगे उसे अच्छे से पढ़ो और फोकस से पढ़ो, और रिवीजन जितनी ज्यादा हो सके उतनी करो। कभी भी हिम्मत नहीं हारनी। अगर आपको जॉब हासिल करनी है एक या टू अटेम्प्ट्स में अगर आप फेल हो रहे हो वो टेंशन ही लेनी है आपको, सिर्फ अच्छे से मतलब हिम्मत नहीं हारनी है, कभी भी गिवअप नहीं करना है, तैयारी करते रहनी है और एवरी डे आपको पढ़ना है। क्योंकि स्ट्रेटजी अगर आपको बनानी है तो आपको डेली बेसिस पे तैयारी करनी है, उसके लिए आपको एक रूटीन वर्क बनाना होगा, अपना एक टाइम टेबल सेटअप करना होगा जिसमें आपको एवरी डे 6 आवर्स कम से कम 6 घंटे पढ़ना हो, और वो पढ़ना बहुत जरूरी है। और अपने सिलेबस को डिटेल में पढ़ो, जो जीएस का सिलेबस है फर्स्ट पेपर 100 मार्क्स का, उसे डिटेल में पढ़ो और जीएस को पहले कवर करो, एक एक टॉपिक को क्लियर करो। और जब हम 2019 के मतलब सिलेक्शन हुई हमारी, 2017 में हमारा एग्जाम होता, तब ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स बहुत कम होते थे, हम बुक्स में पढ़ते थे, हमें इतनी फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं थी। जो आज के दौर में जो मॉडर्न स्टूडेंट्स हैं इनको काफी फैसिलिटीज प्रोवाइड हैं, जैसे कि ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स, और इनसे हमें काफी मदद मिलती है। मैंने स्थिति सर का जो ऑनलाइन ट्यूटोरियल है इनको देखा है, इनके कंटेंट्स देखे, इनके टॉपिक जो भी देखे मतलब बिल्कुल अच्छी तरह से इन्होंने क्लियर किया हुआ है। आप अच्छे से पढ़ें और जो भी मटेरियल इन्होंने अपने ऑनलाइन ट्यूटोरियल पे मतलब ये पढ़ाते हैं वो अच्छे से मतलब आप पढ़ें और उनको डिटेल में पढ़ें, और रिवीजन जितनी हो सके उतनी करें, और कभी भी हिम्मत नहीं हारनी, मतलब तैयारी करनी है और पूरी डिटेल में करनी है। थैंक यू रियाज। एक्चुअली रियाज का मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इन्होंने कहा वो हमारी पुरानी सक्सेस स्टोरीज में भी एक चीज उन्होंने बड़ी अच्छे से मेंशन की थी। एक चीज हमेशा कॉमन रहती है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, वो है
ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करना, मोस्टली अपने बेसिक को क्लियर करना, चीजों को जो भी टॉपिक दिए हो उनको अच्छे से पढ़ना और जितना हो सके उनको रिवाइज करना। आज के दौर पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ज्यादा से ज्यादा चीजें कलेक्ट करने में, मटेरियल कलेक्ट करने में टाइम को वेस्ट कर देते हैं। देखो टाइम सबके पास एक जैसा है, अब आपको ये देखना है कि ज्यादा टाइम ज्यादा चीजों को कलेक्ट करने में लगाना है या उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना है ताकि जितना भी आपने पढ़ा उसको बार बार रिवाइज करके फाइनली अपना जो सिलेक्शन लिस्ट में जो नाम है वो दर्ज करना है, ठीक है। बाकी जीके वाला पोर्शन ऑब्वियसली जीके सर के ऑनलाइन ट्यूटोरियल पर बहुत अच्छे से आपको करवाया जाएगा। आप लोगों की क्लास जो है वो स्टार्ट कर दी है और उसमें कोई भी कमी नहीं रहने वाली, कोई भी कमी नहीं रहने वाली, आपको ए टू जेड सभी चीजें कवर अप करेंगे। देखिए पटवारी एग्जाम में एक पेपर बड़ा कॉमन रहता है जिसका बहुत ज्यादा प्रेशर भी रहता है स्टूडेंट्स के ऊपर, स्पेशली जम्मू के स्टूडेंट्स के ऊपर, और मैं बात कर रहा हूँ उर्दू सब्जेक्ट की, उर्दू सेक्शन की। और उर्दू बेसिकली देखो अगर हम कश्मीर की बात करें तो वो स्टार्टिंग से बच्चे पढ़ते आ रहे हैं, अब जम्मू के जो रहते हैं बच्चे वो स्टार्टिंग से उनका हिंदी पोर्शन रहता है तो उनको बहुत दिक्कत होती है उर्दू की तरफ शिफ्ट करने में। अभी पटवारी में स्पेशली उर्दू स्पेशल है और उसको नो डाउट क्वालिफाइंग नेचर है, बट कहीं ना कहीं अगर आप उसको क्रैक उसको क्वालिफाई नहीं करते तो आप जितने भी ओवरऑल नंबर ला रहे हो उसमें मतलब कोई इसका फायदा नहीं है। तो अब वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि उर्दू को किस तरह से हम लोग कवर कर सकते हैं वो मैं रियाज को पूछूंगा कि रियाज अपना उर्दू के रिलेटेड किस तरह से एक बच्चा उसको कवर कर सकता है वो जरूर वो एक्सप्लेन है। जी सर, आपने जो कहा उर्दू के पेपर के बारे में, ये बहुत ही अच्छी बात आपने कही। जो जम्मू बेस्ड स्टूडेंट्स हैं जो उर्दू में काफी वीक होते हैं, मतलब उनका जो बेसिक्स होते हैं वो क्लियर नहीं होते हैं, एज कम्पेयर टू कश्मीर डिविजन, उनको उर्दू काफी मतलब हमसे एडवांस है उर्दू में। तो जम्मू बेस्ड कैंडिडेट के लिए जरूरी है कि उर्दू को बेसिक्स क्लियर किए जाएं, जैसे कि अलफ बे, स्टार्टिंग से उसको अलफ बे को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि विदाउट अलफ बे के बिना आप आगे नहीं जा सकते। स्टार्टिंग में आपको अलफ बे का कंसेप्ट जो भी है उसको अच्छे से क्लियर करना है। उसको क्लियर करने के बाद आपको मतलब रीडिंग राइटिंग, आपको डेली बेसिस पे उसको रीडिंग, उर्दू आपको सिर्फ दो ही चीजों से आएगा, रीडिंग और राइटिंग। एवरी डे आपको जितना लिखोगे उर्दू को उतना उर्दू आपको आएगा, और आपको बेसिक्स पूरा क्लियर करना है। जो भी हम ऑनलाइन ट्यूटोरियल में हमारे सर आपको पढ़ाएंगे, सारी मतलब मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे, आपको उसकी मतलब जो भी गाइड करेंगे आपको उस हिसाब से तैयारी करनी है, अच्छे से तैयारी करनी है। और बेसिक्स का ये कुछ ज्यादा टफ नहीं, ये कुछ स्टूडेंट्स मतलब सोचते हैं कि उर्दू हमें आएगा नहीं, हम तैयारी नहीं कर सकते, हम पहले ही वो फॉर्म नहीं भरते हैं। कभी भी जिंदगी में हार नहीं माननी चाहिए, नेवर गिव अप इन योर लाइफ, क्योंकि बंदा अगर पहले ही हिम्मत हार जाए तो वो कभी भी सिलेक्ट नहीं हो पाएगा। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स हमारे साथ भी ऐसे लगे हुए हैं जिन्होंने उर्दू सीखा हुआ है, उनको उर्दू स्टार्टिंग से नहीं आता था, उन्होंने उर्दू को 3 महीने में पूरा सीख के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके और उर्दू का पेपर क्वालिफाई करके पटवारी में उनकी सिलेक्शन भी हुई। ये हमारे पास मतलब लाइव एग्जाम्पल्स हैं जो सिलेक्ट हुए हैं हमारी लिस्ट में 2019 बैच में। तो इसलिए आपको कभी भी हिम्मत नहीं हारनी है और उर्दू को बेसिक से पढ़ना है, और उसको रीडिंग मतलब जो भी आप जहां से भी पढ़ो, ट्यूटोरियल में भी पढ़ो, और अच्छे मतलब स्पेशल आप टीचर्स भी लगा सकते हो उर्दू में। आपको स्टार्टिंग से बेसिक्स क्लियर करने हैं, उर्दू की साउंड्स होती हैं उसकी, उसके मतलब जोड़ जो एक कायदा मिलता है उर्दू का जो छोटा सा होता है, उसमें अलग भी होते हैं, बेसिक्स होते हैं उसमें सारे, पहले आपको वो पढ़ना है। वो पढ़ने के बाद आपको मतलब रीडिंग पे आना, फिर डेली बेसिस पे आपको सेंटेंस लिखने हैं, छोटे 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 सेंटेंसेस को मतलब जोड़ करके लिखना है, जैसे स्पेलिंग्स बनाते हो ना आप इंग्लिश में, वैसे ही आपको उर्दू में जोड़ करने हैं। अगर आप डेली बेसिस पे लिखते जाओगे, थोड़ा थोड़ा मतलब लिखोगे, तो आपकी राइटिंग भी बनेगी और आपकी और आपको मतलब डेली न्यूज़पेपर्स भी पढ़ने चाहिए थोड़े थोड़े, उससे भी आपको उर्दू पढ़ने में काफी हेल्प होगी। न्यूज़पेपर पे उर्दू जो आता है उसको भी पढ़ें, और जो बुक्स होती हैं मतलब छोटे बच्चों की, जैसे नर्सरी का उर्दू होगा बेसिक, उसके वो वाली बुक्स पढ़ें, और उनमें से जो बेसिक्स बुक है जो गवर्नमेंट स्कूल में मतलब फर्स्ट में होती है और प्राइवेट स्कूल में नर्सरी, LKG और UKG में, उन बुक्स से सारे कंसेप्ट आपके उर्दू के क्लियर होंगे, फिर आपको आगे हेल्प होगी एग्जाम क्रैक करने में। थैंक यू रियाज, थैंक यू सो मच बड़ी स्ट्रेटजी शेयर करने के लिए बच्चों के साथ। और इन शॉर्ट मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं पटवारी एग्जाम के लिए, पटवारी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, ए से जेड तक आपको प्रिपेयर करवाएंगे, चाहे वो जीके हो चाहे वो उर्दू हो। देखो उर्दू आपका मैक्सिमम जम्मू के स्टूडेंट का वीक रहेगा,
और उर्दू के लिए हम लोग स्पेशल जूम पे ऑनलाइन क्लास लेंगे आप लोगों की, ताकि क्योंकि होता क्या है, जब बाकी सब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो हर स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बेस होता है, ठीक है, मतलब 30-40% दे नो अबाउट द जीके, दे नो अबाउट द रीजनिंग एंड अदर स्टफ, बट देयर इज वन पर्टिकुलर टॉपिक दैट इज उर्दू, एंड मैक्सिमम जम्मू बेस्ड स्टूडेंट्स दे हैव जीरो बैकग्राउंड इन उर्दू पोर्शन, सो दैट्स व्हाई वी डिसाइडेड दैट वी विल प्रोवाइड यू ऑनलाइन जूम क्लासेस ऑन उर्दू पोर्शन, सो दैट यू नॉट इवन लर्न द उर्दू पोर्शन बट ऑल्सो यू कैन पुट अ क्वेश्चन टू द टीचर दैट हाउ दिस थिंग कम इन दैट, ऑलराइट, सो दैट इंटरेक्शन विल बी देयर एंड आफ्टर दैट योर इम्प्रूवमेंट ऑब्वियसली यू कैन इम्प्रूव फास्ट इन दैट पोर्शन, सो दैट्स अ स्ट्रेटेजी एंड ऑब्वियसली वेरी सून आई विल कम अप विद द उर्दू टीचर सो दैट ही कैन मेक द स्ट्रेटेजी विद यू दैट हाउ यू कैन कवर ऑल द थिंग्स विद इन 2 months, एंड दिस इज ऑल एंड एट द एंड पोर्शन आई वाना थैंक्स टू रियाज एक्चुअली. देखो रियाज के साथ मेरा जो रिलेशन है ना वो रिलेशन बड़ा पुराना है एक्चुअली, स्कूल साथ पढ़े, कॉलेज साथ पढ़े, और ऐसा है कि जिसे मैं बयान नहीं कर सकता, और फाइनली बहुत अच्छा लगा रियाज अभी फाइन, मतलब जैसे मैंने कहा कि पटवारी है, और मतलब बहुत स्पेशली इसका जो बेस्ट पार्ट रहा है मेरे हिसाब से इसके पूरे करियर में जो मैंने वॉच आउट किया कि ये सिंसियर रहा अपने हर चीजों के लिए, कि इसने जो भी चीजें की वो ऑनेस्टी के साथ की, ज्यादा इधर लेफ्ट राइट नहीं बढ़ा, और यही वो रीजन है कि आज ये बंदा मतलब पटवारी बन के बैठा हुआ है, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद फॉर हिम, और एट द एंड हम लोग इसी के साथ आज का ये जो लाइव सेशन है ये बंद करेंगे, और एक और हाँ एक इम्पोर्टेंट चीज ये कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली पटवारी में, चाहे वो जीएस पे क्वेश्चन हो चाहे उर्दू में हो, क्योंकि रियाज हमारे साथ ही बने रहेंगे, जब भी कोई प्रॉब्लम या कोई भी दिक्कत होगी तो हम कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये पटवारी फेज से गुजरे हुए हैं. ऑलराइट, सो एट द एंड थैंक यू सो मच मेरी तरफ से. रियाज कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज बोल दे ऑडियंस को, बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं यार जम्मू कश्मीर से. रियाज कुछ बोलना तो बोलो. मैं लास्ट में एक ही बात कहना चाहूंगा कि आप अच्छे से मेहनत करें और मतलब जी जान से मेहनत करें, क्योंकि मेहनत के बिना आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि क्योंकि सभी मेहनत करते हैं, अगर मेहनत करोगे जोर से दिल से हिम्मत कभी भी मतलब उदास नहीं होना लाइफ में कि मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकता या टफ है। कोई भी चीज टफ नहीं होती, बंदा अगर जी जान से मेहनत करेगा तो उसे कामयाबी जरूर मिलती है। अब एक या दो या तीन एग्जाम में फेल भी हो जाओ इसका मतलब ये नहीं कि आप फेल हो गए। आपको मतलब ट्राई करते रहना चाहिए, कभी भी हार नहीं माननी, और अच्छे से तैयारी करो और कामयाबी जरूर मिलेगी अच्छे से। हमने भी बहुत सारे एग्जाम्स दिए हैं और बहुत सारे फेलियर्स भी मिले हैं हमें स्टार्टिंग में, और फाइनली जाके मतलब सक्सेस इंसान को मिल ही जाती है। सिर्फ आपको मेहनत करनी है, ये नहीं सोचना है कि आप पटवारी बनोगे या वो कोई भी जॉब आप बनने, ये नहीं सोचना। आपको सिर्फ सिलेबस को देख के उसको तैयारी करनी है कि मैंने कर जाना है, सिर्फ मैंने सिर्फ कर जाना है, आगे फल है वो गॉड के हाथ में। आपको सिर्फ मेहनत करनी है और अच्छे से कर। पी सर जो भी मतलब इनका जो चैनल है, इनके चैनल के माध्यम से मतलब जो भी मैं आपको कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे जो मेरे फ्रेंड्स हैं उन्होंने इनके चैनल से तैयारी की थी, वो काफी मतलब प्रभावित हुए इनके चैनल से, कि उन्होंने तैयारी की और उनको कामयाबी भी मिली। जो जीएस पढ़ाते थे ये अपने चैनल पे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और जो भी मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे आप सिर्फ अच्छे से पढ़ें, बस उसको फॉलो करें जो भी पढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच राज, ठीक है, तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सबके साथ, थैंक यू सो मच, बाय बाय.